9.3 धातुओं की प्राप्ति अकरेंस ऑफ मेटल्स। धातुएं मुख्यतः भूपर्पटी में उपस्थित रहती हैं। कुछ धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था और कुछ संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। सामान्यतः सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं मुक्त अवस्था में मिलती हैं, जैसे सोना एवं प्लैटिनम, जबकि अधिकांश सक्रिय धातुएं अन्य तत्वों से क्रिया कर यौगिक बनाकर संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ठोस अकार्बनिक पदार्थ, जिनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है और इनके भौतिक गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है, खनिज मिनरल कहलाते हैं। धातुओं का निष्कर्षण इन्हीं खनिजों से किया जाता है। ऐसे खनिज जिनमें धातु की मात्रा अधिक और अशुद्धियां कम होती हैं, तथा जिनसे धातुओं का निष्कर्षण कम खर्च में और सुविधाजनक तरीके से किया जाता है, अयस्क ओर कहलाते हैं। सामान्यतः खनिज अलग अलग प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। सभी अयस्क खनिज होते हैं, किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते।